हेलो, मेरा नाम सृजन है। मैं विकास गुप्ता सर के कैलकुलस कोर्स नंबर 2, इसमें इंटीग्रल कैलकुलस सर पढ़ा रहे हैं, उसमें एनरोल्ड हूँ। तो वैसे तो सर के बारे में सब लोगों ने बहुत कुछ बताया ही होगा कि सर कितना एक्सीलेंट परफेक्ट पढ़ाते हैं। तो मतलब एक डिफाइन अगर करना है कि सर कैसे कैसा पढ़ाते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे एक आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड होता है। तो मतलब आईफोन कभी हैंग नहीं करता, मतलब कभी हैंग नहीं करता, सुपर क्वालिटी होती है इसमें। वैसे ही कुछ वीजी सर के साथ केस है। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं सर के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो एक्चुअली मैं ये वाली जो लाइनें हैं, ये मेरी ही मतलब बता रही हैं कि मैं वीजी सर से कैसे जुड़ा, मतलब कितना इम्प्रूवमेंट आया उनसे जुड़ने के बाद। उनसे पहले कैसा था, कितना परेशान रहता था। तो नहीं संभाल पा रहा था मैं अपने मैथ्स की कमान, नहीं समझ आ रहा था कि कैसे इम्प्रूव करूं मैं अपने मैथ्स की शान। थक कर एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर सोया, ईश्वर मेरे स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्स चिंता मत कर, जल्द ही मिलेगा तू एक हीरे से, जिसकी चमक तुझे उठाएगी धीरे से। मिलेगा तुझे तेरी मेहनत का फल, अगर बात मानेगा तू हीरे की प्रतिपल। तो अब ये इसके बाद का सिनेरियो है। दिन बीतते गए और गुजरा एक महीना, मेरी नज़र एक टीचर पर पड़ी और मेरे मन ने यह बोला, क्या यह वही व्यक्ति है जिससे मुझे मैथमेटिक्स है सीखना। मैं क्लब हुआ सर के साथ, जैसे मानो इंटीग्रेशन का बाईपार्ट। धीमे धीमे इंटीग्रेशन ने पावर बढ़ाया, डिफरेंशिएशन ने वीक पॉइंट्स को घटाया, एरिया ने सोचना सिखाया और एओडी ने ऑब्जर्वेशन करना सिखाया। बस यही कामना है कि प्रतिपल मेरे सर पर रहे, सर का साया। धन्यवाद।